दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैं जो मकान आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये ग्राउंड प्लस यहाँ पे 2 फ्लोर का मकान बनाया गया है। और सामने से आप देखिएगा तो इसका ये फ्रंट है, फ्रंट इसका जो है ये ज़्यादा नहीं है, करीब यहाँ पे 30 फीट का फ्रंट है। सामने से यहाँ मेन रोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आगे जगह छोड़ा गया है और यहाँ पे नीचे में एक दुकान, दो दुकान यहाँ पे निकाला गया है। साइड में देखिए एक और यहाँ पे रोड जा रहा है। तो यहाँ मेनली जो है इस बिल्डिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका दो साइड फेसिंग मकान है तो आपको जो साइड वाला रोड है, अगर आपको उधर बालकनी नहीं छोड़ना है, तो फिर आपको अपना मकान कैसे बनाना है जिससे कि आपका जगह भी ख़राब ना हो और अंदर का जो कमरों का कमरा छोटा ना हो, आपका जो घर है घर छोटा ना पड़े, आपको जगह भी काफ़ी मिल जाए और मकान बनाने में आपका खर्चा भी कम बैठे। तो ये चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ये साइड में आप देख रहे हैं कि नीचे का जो पोर्शन है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें वहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोड, वहाँ पे रोड के पीछे 3 फीट और पीछे जाके तब वहाँ पे मकान को बनाया गया है। लेकिन ऊपर आप पहले मंजिल से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे छज्जा निकाला गया है और छज्जे के ऊपर से आप देखिए छज्जे पर से ही पूरा जो दीवार है, दीवार 2 फ्लोर तक ऊपर ले जाई गई है। तो दोस्तों इस तरीके से कैसे बनाना है मकान कि आप जो छज्जा निकालते हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ छज्जा आपको दिख रहा है, यहाँ 2 से 2.5 फीट का ये छज्जा निकाला गया है। नॉर्मली एक मकान में यही 2 से 3 फीट तक का छज्जा निकाला जाता है। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि अगर आप नीचे मान लीजिए कि छज्जा छोड़ देते हैं ताकि रोड पे गाड़ियाँ आती जाती है तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, लेकिन पहले मंजिल से अगर एक साइड आप बालकनी छोड़ते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं बालकनी छोड़ी गई है, लेकिन दूसरे साइड अगर मुझे वो कवर करना है, उसी पर से मुझे दीवार उठानी है, तो फिर उस छज्जे को कैसे मजबूत बनाया जाए और उस मकान को कैसे बनाया जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। अब जैसे ये देखिए यहाँ जो छज्जा है ये 3 फीट का है, ठीक है। तो ये एक और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने का छज्जा है, तो ये यहाँ पे 3.5 से 4 फीट का है। तो बेसिकली जो है हम अपने घर में 3 फीट 4 फीट का छज्जा निकालते हैं, फिर उसमें से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फोटो में कि अब ये पहला और दूसरा मंजिल आप देखिएगा पूरा ये प्लेन ऊपर दीवार उठा ली गई है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, जैसे आप देखिए जब पहला मंजिल पर आप उस छज्जे को निकालने के लिए छत बांधते हैं, सरिया बांधते हैं, उसी टाइम आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा था जैसे ये 3 फीट आगे 4 फीट आगे छज्जा निकाला गया है, तो इसमें जो ये बीम गया है दोस्तों, मेन काम छज्जे में क्या होता है, बीम का, जो हम कैंटिलीवर बीम देते हैं उसका, तो बीम देखिए पीछे से आया हुआ है, जो कि ये आपको कॉलम बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉलम से हम इस बीम को नया बना के ले गए हैं, पीछे से कंटिन्यू इस बीम को हम लेकर आए हैं और इसमें कैंटिलीवर छत हो यानी छज्जा हो या फिर उसका बीम हो, जो भारी सरिया होता है वो आपको ऊपर रखना है। यहाँ देखिए ये हम 3 मंजिल का मकान बना है, तो 20 mm का 3 सरिया हम ऊपर में दिए हैं और 16 mm का 3 सरिया हम नीचे में दिए हैं। तो यानी कि लोड जो है हम ज़्यादा हैवी कहाँ कर रहे हैं, ऊपर के साइड में, और जो नॉर्मल हम बीम बनाते हैं मकान में, लटक बीम जिसको बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, भारी सरिया हम नीचे देते हैं और हल्का सरिया हम ऊपर कर देते हैं, लेकिन कैंटिलीवर में ठीक उसका उल्टा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कैंटिलीवर में दोस्तों जो रिंग हम बनते हैं, वो रिंग का फेस जो होगा, जो हुक होता है, वो नीचे की तरफ देना है आपको, और जैसे नॉर्मल हम बीम देते हैं उसमें ऊपर की तरफ रखा जाता है, तो आसानी से लोड हमारे कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब एक और चीज़, जो छज्जे का हम जो सरिया यहाँ पे देंगे, वो जो छत का सरिया देंगे छज्जे में, वो आप देखिए जो छत का हम यहाँ सरिया पीछे से बांधे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब ये बेंट अप तोड़ा गया है, यही कंटिन्यू आगे तक जितना हमारा लंबा छज्जा रहेगा, चाहे 2 फिट का रहे, 3 फिट का रहे, 4 फिट का रहे, आगे तक उसी को कंटिन्यू किया गया है। यहाँ ऐसा नहीं कि इस यहाँ से इस बीम से जो छज्जे का ये बीम है उससे नया निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं आपको कंटिन्यू करना है, इसमें ब्रेक नहीं देना है कहीं तोड़ के बीच बीच में से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है छज्जा बनाने के टाइम में कि जो बीम है, बीम जो पीछे से ही लाया जाए कंटिन्यू करके, नया बीम नहीं बनाया जाए, नया उसमें सरिया काट के वहाँ से नहीं बांधा जाए। एक दूसरा चीज़ ये है कि बीम में जो भारी सरिया है ऊपर रखना है, हल्का सरिया नीचे रखना है, फिर जो छत में जो सरिया 10 mm का देना है वो हमें कंटिन्यू पीछे से ही जो छत में हम देते हैं वही कंटिन्यू करना है आगे। ऐसा नहीं कि उसको टुकड़ों में फिर वहाँ से काट के फिर नया वहाँ पर छज्जे के लिए सरिया दे रहे हैं, वहाँ से फिर उसमें क्रैक आ सकता है, छज्जा झूल सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, ये आप देख रहे हैं जो छज्जा निकाला गया है। अब देखिए अगर हम पहले मंजिल से अपना घर को छज्जे पे बनाते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि मेरा 3 फीट का छज्जा निकला है, 4 फीट का छज्जा निकला है, तो हम उस जगह को यूज कर लें, वो भी हम अपने रूम ले लें, रूम में ले लें, किचन में ले लें, बाथरूम में ले लें, जिससे कि हमें जगह काफ़ी मिल जाए, हमारा घर बड़ा हो जाए। तो आपको क्या करना है, छज्जे पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप दीवार बना रहे हैं तो कभी भी आपको 9 इंच की दीवार नहीं बनानी है। यहाँ देखिए 4 इंच का दीवार जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 4 इंच का दीवार ही बनानी है ताकि उस पर लोड ज़्यादा नहीं आए
और बाहर से अगर आप सिंगल 4 इंच का दीवार आउटर साइड में दे रहे हैं तो आपको उस पर डबल लेयर का प्लास्टर करना है ताकि बारिश के मौसम में उसमें अंदर सीलन नहीं जाए, और दूसरी बात कि धूप से भी आपको बहुत उसमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, जगह भी बचेगा और आपका घर भी काफ़ी मजबूत बनेगा।